गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कमल शर्मा हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी फॉर नॉट बीइंग एबल टू पोस्ट द ऑडियो लेक्चर यस्टरडे। फ्रेंड्स, वी वर डिस्कसिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। वी हैव लर्नड about nouns and pronouns so far. Today we are going to learn about adjectives. What are adjectives? Adjectives are the words used to add something to the meaning of a noun or a pronoun. In other words, the words that tell us something about a noun or a pronoun. If you feel comfortable, I will continue this lecture in English. Unless I get some comments from you, I won't be able to continue in English. So today, as usual, I am going to deliver this lecture in Hindi. Dosto, adjectives ki baat hum kar rahe hain. Adjectives aise shabd hote hain jo kisi noun ya pronoun ke bare mein hame kuch batate hain. Maan lijiye koi noun hai, वो नाउन कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसको डिस्क्राइब करता है. कोई नाउन संख्या में कितना है, कोई नाउन मात्रा में कितना है, उस रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन देने वाले जो शब्द होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं. सिमिलरली प्रोनाउन के बारे में भी एडजेक्टिव्स बताते हैं कि वो प्रोनाउन कैसा है. तो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ बताने वाले जो शब्द होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं. एडजेक्टिव्स की एक बहुत बड़ी क्लास है. अभी मॉडर्न ग्रामर के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव को तोड़ करके एक और क्लास बनाई है जो है डिटरमिनर्स. कई सारे ग्रामरियंस ये मानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो वर्ड क्लास है वो 10 ग्रुप्स हैं, जिनमें आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स को अलग अलग कर दिया है. बेसिकली एडजेक्टिव की जो क्लास है उसी क्लास में से आर्टिकल को अलग किया गया है, उसी क्लास में से डिटरमिनर्स को भी अलग किया गया है. तो ये आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स भी बिलोंग करते हैं एडजेक्टिव से ही. लेकिन हमने कुछ स्पेसिफिक काम करने वाले शब्दों को हमने आर्टिकल्स कहा है, कुछ अदर वर्ड्स जो है उनको हमने डिटरमिनर्स कहा है. पहले तो हम एडजेक्टिव को जान लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल्स, डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव्स इन तीनों चीजों में क्या डिफरेंस है. एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन. ये तो हमारी डेफिनेशन है. कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. जैसे अ व्हाइट काउ, अ व्हाइट काउ, सफेद गाय. काउ, व्हाट काइंड ऑफ व्हाइट. तो व्हाइट जो शब्द है वो काउ नाउन से पहले लगा है और उस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है.
तो काउ जो है वो एक नाउन है और वाइट एडजेक्टिव है। काउ जो नाउन है उससे पहले एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, उसकी पोजीशन भी देखें आप, किसी नाउन से पहले लग करके उस नाउन के बारे में कुछ बताया गया है उस एडजेक्टिव के द्वारा। हम कहें टू बॉयज, दो लड़के, बॉयज हाउ मेनी, टू, तो बॉयज के रिगार्डिंग भी बॉयज एक नाउन है, प्लूरल नाउन है, उससे पहले टू लगा है। ये टू शब्द भी उस नाउन के बारे में हमें जानकारी दे रहा है कि बॉयज संख्या में दो हैं, दे आर टू इन नंबर। इसी तरह सम बॉयज, कुछ लड़के, यहां पर सम जो है वो भी एक एडजेक्टिव है, बॉयज के रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वे संख्या में कितने हैं। मच वाटर, ज्यादा पानी, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो वो वाटर का अमाउंट कितना है वो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है मच के द्वारा। तो मच है वो भी हमें कुछ बता रहा है वाटर के बारे में, उस नाउन के बारे में बता रहा है। तो मच है वो भी एक एडजेक्टिव है जो किसी नाउन से पहले लगा है। हम कहें ऑल बॉयज, सारे लड़के, तो बॉयज है वो नाउन है, ऑल जो है वो भी उन लड़कों की संख्या के बारे में हमें जानकारी दे रहा है, तो ऑल जो है वो भी एक एडजेक्टिव है, नाउन से पहले लगा है। ऑल वाटर, सारा पानी, वाटर एक नाउन है, ऑल उस नाउन से पहले लग करके वाटर के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो वाटर जो है वो मात्रा में कितना है, क्वांटिटी में कितना है, तो ऑल जो है वो एक एडजेक्टिव है। इसी तरह माई बुक, मेरी किताब, बुक एक नाउन है, माई उस नाउन से पहले लगा है, हूज बुक, तो माई बुक, तो माई जो है वो उस नाउन के बारे में हमें कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन दे रहा है, उस बुक पर पोजेशन किसका है, माई बुक, तो माई है वो भी एक एडजेक्टिव है। फर्दर देखें, विच बुक इज योर्स, तुम्हारी किताब कौन सी है, विच बुक, कौन सी किताब, तो बुक से पहले विच लगा है और वो भी बुक के रिगार्डिंग कुछ जानकारी हमें दे रहा है, तो विच भी यहां पर एक एडजेक्टिव है। तो दोस्तों, एडजेक्टिव्स कई सारे होते हैं इंग्लिश में, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें एडजेक्टिव, आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, एडजेक्टिव एक बहुत बड़ी क्लास है, किसी नाउन के रिगार्डिंग जो भी जानकारी हमें मिलती है वो एडजेक्टिव से मिलती है, किसी प्रोनाउन के रिगार्डिंग भी हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो एडजेक्टिव से मिलती है। तो एडजेक्टिव से ही स्प्लिट होकर के आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स बने हैं। आर्टिकल्स इंग्लिश में दो होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं ए या एन, ए या एन,
ए और एन नहीं, ए और एन, ए या एन, ए और एन दोनों अलग अलग नहीं है। इसी तरह से डेफिनेट आर्टिकल होता द। द के बारे में इसके तीन प्रोनंसिएशन है, कई बार इसको द बोला जाता है, कई बार दी, और कई बार इसको दी, लॉन्ग है थोड़ा सा, द दी दी। द हम कब यूज करेंगे, द कब बोलेंगे? जिस नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, अगर उस नाउन के पहले लेटर की साउंड, अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम द बोलेंगे। द बुक, द पैन, द चेयर। अगर जिस नाउन से पहले द का प्रयोग किया गया है उसकी पहले लेटर की जो साउंड है वो एक वॉवेल साउंड है, तो हम छोटा दी दी, जैसे द अर्थ, द एग, द अम्ब्रेला, द एलिफेंट। और दी, बड़ा दी, उसका यूज हम तब करेंगे जब सुपरलेटिव डिग्री में किसी एडजेक्टिव से पहले हमें द लगाना है, तो हम बोलेंगे दी। दी हाईएस्ट, दी लॉन्गेस्ट, दी शॉर्टेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की जो होती है उसमें, वहां पर हम बड़े दी का प्रयोग करेंगे। द, दी और दी, इनमें डिफरेंस ये है। तो ये दो आर्टिकल्स हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। ए या एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, द डेफिनेट आर्टिकल है। इनका प्रयोग कब किया जाता है? किसी नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। नाउन से पहले लगा मतलब वो एडजेक्टिव हुआ। इनको आर्टिकल अलग से कहा जाता है, इसके पीछे कारण है, ये सिर्फ किसी नाउन को स्पेसिफाई करते हैं, उसको एक विशेष दर्जा देते हैं। जैसे अगर हम बोले आई हैव बुक, आई हैव बुक, यहां पर बुक जो नाउन है वो स्पेसिफाइड नहीं है। अगर हम बोलेंगे आई हैव अ बुक, तो अ लगते ही तुरंत वो नाउन है वो स्पेसिफाई हो जाता है, उसके रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि दैट इज वन इन नंबर, वो संख्या में एक है, तो उस नाउन को स्पेसिफाई करता है। तो ए या एन और द, तो इनको आर्टिकल कहा गया है। इनका कोई मीनिंग नहीं होता है। अगर कोई कहे कि ए का क्या मीनिंग है, एन का क्या मीनिंग है, द का क्या मीनिंग है, वो कोई मीनिंग नहीं देते हैं, लेकिन वो किसी नाउन को स्पेसिफाई करते हैं। इसी तरह से डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स जो होते हैं वो किसी नाउन को डिटरमिन करते हैं कि वो नाउन संख्या में कितना है, मात्रा में कितना है, ये डिटरमिन करता है। जैसे हम कहें अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, बहुत सारे फल, तो फ्रूट्स के रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि वो नंबर में बहुत ज्यादा है, अ लॉट ऑफ। अ फ्यू गर्ल्स, कुछ लड़कियां। अ फ्यू जो है वो हमें गर्ल्स के रिगार्डिंग कोई जानकारी दे रही है कि वो संख्या में कितनी है। अ लिटिल नॉलेज, थोड़ा सा ज्ञान। तो नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसकी मात्रा कितनी है वो हमें जानकारी मिल रही है अ फ्यू से। तो अ फ्यू जो है वो एक डिटरमिनर है, उसको डिटरमिन कर रहा है किसी नाउन के नंबर या क्वांटिटी को, डिटरमिन करने वाले जो शब्द होते हैं वो डिटरमिनर्स हैं। तो बेसिकली
एडजेक्टिव से ही अलग हुए हैं आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स, उनकी अलग से क्लास बना दी। ये मूल रूप से एडजेक्टिव से ही बिलोंग करते हैं, इनका ओरिजिन जो है वो एडजेक्टिव से ही है। तो दोस्तों क्योंकि जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं तो एडजेक्टिव, इन सभी को एडजेक्टिव ही मान करके हम इसकी चर्चा करेंगे। तो एडजेक्टिव्स जो हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। पहला जो काइंड है वो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हम कहें अ बिग हाउस, व्हाट काइंड ऑफ हाउस, बिग। बिग जो है वो एडजेक्टिव है, ये हाउस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हाउस का क्वालिटी कैसा है। अ थिक बुक, मोटी किताब, अ थिक बुक। तो बुक की विशेषता क्या है, थिक, तो थिक है वो एडजेक्टिव है। अ स्मॉल बॉय, छोटा लड़का, बॉय की क्वालिटी बता रहा है, बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, स्मॉल, स्मॉल है वो एडजेक्टिव है। इसी तरह अ प्रिटी गर्ल, सुंदर लड़की, गर्ल नाउन है, प्रिटी एडजेक्टिव है। अ स्वीट मैंगो, मीठा आम, मैंगो है वो नाउन है और स्वीट एडजेक्टिव है। ये किसी नाउन की क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं। हम क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट काइंड ऑफ, तो हमें जो आंसर मिलेगा नाउन से हम क्वेश्चन पूछेंगे, मैंगो व्हाट काइंड ऑफ स्वीट। तो ये एडजेक्टिव जो है वो किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं, इसलिए इनको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। दूसरा जो एडजेक्टिव की का काइंड है वो है पजेसिव एडजेक्टिव्स, जो पजेशन को बताते हैं, स्वामित्व को बताते हैं, अधिकार को बताते हैं। माई बुक, हिज पैन, देयर हाउस, आवर स्कूल, हर सन, ये किसी नाउन से पहले लगकर के पजेशन को बताते हैं। नाउन से हम क्वेश्चन पूछेंगे हुज, हुज का जो आंसर मिलेगा वो एडजेक्टिव है, ये पजेसिव एडजेक्टिव्स है। माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, ये सभी पजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। इसी तरह एक क्लास, एक काइंड होता है एडजेक्टिव का, वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। हमने पिछले चैप्टर में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में चर्चा की थी, आज हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में। दोस्तों दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये किसी नाउन की तरफ इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बुक, यहां पर जो दिस है वो एक प्रोनाउन है, लेकिन अगर मैं ये बोलूं दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, तो बुक जो है वो एक नाउन है और नाउन से पहले दिस लगा है।
दिस डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है बुक को, इसलिए दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। दिस दैट दीज दोज जब किसी नाउन से पहले लगते हैं उस समय वो एडजेक्टिव होते हैं, और जब वे अकेले होते हैं उस समय वो प्रोनाउंस होते हैं। दिस इज माई बुक, यहां पर जो दिस है वो प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन दिस बुक इज माइन, यहां पर बुक से पहले दिस लगा है इसलिए वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दीज बॉयज आर नॉटी, यहां पर बॉयज से पहले एडजेक्टिव है दिस, दीज, सॉरी, दीज बॉयज, बॉयज से ठीक पहले लगा है और बॉयज के बारे में ही बता रहा है। विच बॉयज, दीज बॉयज, तो दीज जो है वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर कहा जाए दीज आर नॉटी बॉयज, यहां पर दीज है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट ट्री इज बिग, यहां पर दैट जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट इज अ बिग ट्री, यहां पर जो दैट है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है? प्रोनाउन जब होंगे दिस दैट दीज और दोज, जब ये प्रोनाउन होंगे उस समय वो अकेले होंगे, और जब वो एडजेक्टिव होंगे उस समय वो किसी नाउन से पहले लगेंगे। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है। एक होते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब किसी नाउन से पहले लगते हैं और साथ ही क्वेश्चन भी पूछते हैं, इसलिए वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स है। तीन है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, एक है विच, एक है हुज और एक है व्हाट। विच, हुज और व्हाट, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स है। जैसे विच बुक इज योर्स, क्वेश्चन पूछ रहा है, विच है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन साथ ही किसी नाउन से पहले भी लगा है। तो यहां पर विच जो है वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। विच बुक इज योर्स, बुक एक नाउन है, उससे पहले विच लगा है, साथ ही क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए ये कहलाएगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। लेकिन अगर हम कहें विच इज योर बुक, यहां पर विच अकेला है, उसके बाद में कोई नाउन नहीं है, दैट इज नॉट फॉलोड बाय नाउन, यहां पर विच इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। व्हाट साइज फिट्स यू, यहां पर साइज एक नाउन है, उससे पहले व्हाट लगा है, ये एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन हम कहें व्हाट इज द साइज ऑफ योर शू, यहां पर व्हाट है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। हूज पैन इज दिस, यह पैन किसका है, यहां पर हुज जो है वो एक एडजेक्टिव है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि वो पैन नाउन से पहले लगा है। हुज इज दिस पैन, यहां पर जो हुज है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट लैंग्वेज डू दे स्पीक, वे कौन सी भाषा बोलते हैं? देखो व्हाट लैंग्वेज और विच लैंग्वेज दोनों में डिफरेंस है। जब आप विच लैंग्वेज कहते हैं तो आपका एटीट्यूड जो है वो सिलेक्टिव है, आप जो है उनमें से सिलेक्ट कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक नंबर में से सिलेक्ट कर रहे हैं। और जब आप कहते हैं व्हाट लैंग्वेज, यानी आपके पास कोई सिलेक्शन नहीं है, वो जनरल में बात कर रहे हैं आप। विच लैंग्वेज डू यू स्पीक का मतलब ये हुआ कि आप या तो हिंदी, इंग्लिश, जो अवेलेबल लैंग्वेजेस उनकी बात कर रहे हैं।
लेकिन जब आप बोलते हैं व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, यहां पर इन जनरल आप बात कर रहे हैं, तो विच, हुज और व्हाट, ये तीनों इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं जब ये किसी नाउन से पहले लगते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, इनको क्वांटिफायर्स भी बोलते हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी नाउन से पहले लगते हैं और उस नाउन की मात्रा के बारे में, उसकी क्वांटिटी के बारे में, उसकी डिग्री के बारे में हमें कोई जानकारी देते हैं। इन व्हाट अमाउंट द नाउन इज, इन व्हाट डिग्री द नाउन इज, क्वांटिटी बताते हैं। जैसे मच मिल्क, अ लिटिल वाटर, सम ऑयल, कुछ तेल, थोड़ा सा तेल, तो सम जो है वो यहां पर मात्रा बता रहा है। तो ऐसे एडजेक्ट, ऐसे शब्द जो किसी अनकाउंटेबल नाउन से पहले लगते हैं और उसकी डिग्री के बारे में, उसकी अमाउंट के बारे में, उसकी क्वांटिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, वो क्वांटिफायर्स होते हैं या एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। तो मच, मोर, अलॉट ऑफ, सम, एनी, लिटिल, ये सारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं या इनको क्वांटिफायर्स भी कहते हैं। ये अनकाउंटेबल नाउन से पहले लगते हैं और उनकी मात्रा के बारे में बताते हैं। अगला काइंड है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, इनको हम न्यूमरल्स भी बोलते हैं। न्यूमरल्स किसी नाउन की संख्या के बारे में बात करते हैं। किसी नाउन की जो संख्या है वो दो तरह से हो सकती है, या तो संख्या या क्रम। तो न्यूमरल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। और साथ ही यहां पर हम ये कहें कि डेफिनेट और इनडेफिनेट न्यूमरल्स। इनडेफिनेट न्यूमरल्स का मतलब यह है कि नाउन की संख्या जो है वो अनिश्चित है। इनडेफिनेट न्यूमरल्स जैसे ऑल बॉयज, मोस्ट स्टूडेंट्स, सम फ्लावर्स, अ लॉट ऑफ फिश। तो ये जो है वो अनिश्चित संख्या के बारे में बताते हैं, किसी नाउन की संख्या अनिश्चित है। और डेफिनेट न्यूमरल्स जो होते हैं वो निश्चित संख्या के बारे में बताते हैं। डेफिनेट न्यूमरल्स हैं वो दो है, एक तो है कार्डिनल्स और एक है ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स का मतलब है 1, 2, 3, 4, ये कार्डिनल्स है। वन बॉय, टू बॉयज, फोर स्टूडेंट्स, ये सभी संख्या को बताते हैं। और ऑर्डिनल्स जो होते हैं वो क्रम को बताते हैं, ऑर्डर को बताते हैं। फर्स्ट, फर्स्ट बॉय, लास्ट बॉय, नेक्स्ट बॉय, नेक्स्ट डॉर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नाइन्थ क्लास, सेकंड कन्वेंशन, ये सभी ऑर्डिनल्स हैं। जो ऑर्डर को बताते हैं वो ऑर्डिनल्स हैं, जो 1, 2, 3, 4 ये जो संख्याएं बताते हैं वो कार्डिनल्स हैं। उसके बाद होते हैं पार्टिसिपियल एडजेक्टिव्स।
जो प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल से बनते हैं वो पार्टिसिपियल एडजेक्टिव्स हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे बॉइलिंग वाटर, उबलता हुआ पानी। वाटर पानी कैसा है? बॉइलिंग उबलता हुआ, दैट विच इज बॉइलिंग। बॉइल्ड वाटर उबला हुआ पानी। शूटिंग स्टार्स टूटते हुए तारे। ब्रोकन चेयर टूटी हुई कुर्सी। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल्स जब किसी नाउन से पहले लगते हैं तो उस नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, उस नाउन के बारे में कुछ बताते हैं, इसलिए इनको पार्टिसिपियल एडजेक्टिव्स कहा जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स की पोजीशन के बारे में। आमतौर पर एडजेक्टिव्स किसी नाउन से पहले लगते हैं। जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले लगता है उस समय वो अट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। पोजीशन के आधार पर फाइव एलिमेंट्स, एलिमेंट्स नाउन है, उससे पहले फाइव लगा है, ये एक अट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल है वो एडजेक्टिव है, किसी नाउन से पहले लगा है, ये एक अट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हम कहें सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है, यहां पर ब्यूटीफुल जो शब्द है वो किसी नाउन से पहले नहीं लगा है, इसलिए इसको हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, वो प्रेडिकेट का पार्ट है। अगर प्रेडिकेट वाले पार्ट में भी एडजेक्टिव नाउन से पहले लगा है तो वो एट्रिब्यूटिव ही कहलाएगा। शी इज प्रिटी, वह सुंदर है, प्रिटी है वो एडजेक्टिव है, किसी प्रोनाउन शी के बारे में बता रहा है। ही इज हार्ड वर्किंग, वह मेहनती है, हार्ड वर्किंग एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, ऑनेस्ट एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव पोजीशन के आधार पर उसकी दो कैटेगरीज है, अगर वो नाउन से पहले लगा है तो वो अट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव है, और प्रेडिकेट वाले पार्ट में लेकिन नाउन से पहले ना लगा हो तो वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। तो दोस्तों एडजेक्टिव्स के बारे में मैंने आपको कुछ जानकारियां दी हैं, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जरूर मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच। List button, MP3 recorder, settings button, MP3 button, 33:40, recording your Jepchen Bushing head, pause button, double tap, stop button। दोस्तों नमस्कार, ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप की तरफ से उपलब्ध करवाई जा रही है। आदरणीय कमल शर्मा सर ने अपनी आवाज में इस ऑडियो को रिकॉर्ड किया है, और इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश ग्रामर को लेकर के ये एक सीरीज चल रही है जिसका ये आठवां पार्ट था। यदि आप भी रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो मोबाइल नंबर 9414868659 पर अपना नाम लिख करके व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नंबर रिपीट कर देते हैं एक बार आपके लिए, 9414868659। बहुत बहुत धन्यवाद।